नमस्कार साथियों, गणेश समाचार में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं नर्मदा मैया का सेठानी घाट और ये जो कि होशंगाबाद में है। और अभी मैं स्नान करूंगा और फिर आपको मंदिरों के दर्शन कराऊंगा और फिर यहाँ के बारे में और आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। और ये हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं स्नान के बाद। अभी मैं भी स्नान करने वाला हूँ। स्नान करने के बाद यहाँ के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आखिर माँ नर्मदे का महत्व क्या है। बोलो श्री नर्मदा मैया की जय। बोलो श्री नर्मदा मैया की जय। बोलो श्री नर्मदा मैया की जय। सेठानी घाट होशंगाबाद शहर का एक प्रसिद्ध घाट है। सेठानी घाट नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। नर्मदा नदी होशंगाबाद शहर में बहती है और होशंगाबाद शहर को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। सेठानी घाट प्राचीन घाट है और यह घाट बहुत बड़ा है। यह घाट भारत में स्थित सभी घाटों में से बहुत बड़ा है। यहाँ पर शाम के समय बहुत सारे लोग अपना समय बिताने के लिए आते हैं। सेठानी घाट में नर्मदा जी का मंदिर बना हुआ है। हर शाम को यहाँ पर आरती होती है। सेठानी घाट में बहुत सारे फिल्म कार्यक्रमों की शूटिंग भी हो चुकी है। यह घाट बहुत सुंदर है और इसे बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें राम जानकी मंदिर देखने के लिए मिला। यह मंदिर बहुत सुंदर था। यह मंदिर देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग को प्राचीन माँ नर्मदेश्वर मंदिर देखने के लिए मिला और यहाँ से हमें सेठानी घाट का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिला। यहाँ पर बहुत सारे लोग घाट में बैठकर नर्मदा नदी का दृश्य को देख रहे थे और शांति का अनुभव कर रहे थे। हम लोग माँ नर्मदेश्वर के मंदिर में गए थे, तब यहाँ पर आरती हो रही थी। यह मंदिर सेठानी घाट में स्थित सबसे प्राचीन मंदिर है और यह मंदिर भी बहुत सुंदरता से बना हुआ है। होशंगाबाद के सेठानी घाट में अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी स्नान कर सकती हैं। यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम उपलब्ध है। सेठानी घाट बहुत गहरा है। आप यहाँ पर नहाते हैं तो संभाल कर नहाएं और यहाँ पर एक जगह निर्धारित है नहाने के लिए, आप वहाँ पर ही नहाए और ज्यादा गहरे में ना जाए। बोलो श्री नर्मदा मैया की जय। बोलो श्री नर्मदा मैया की जय। बोलो श्री नर्मदा मैया की जय।